अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाबर आजम के फैंस के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर आ चुकी है। कप्तान बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है और उनको अब टेस्ट क्रिकेट से भी कप्तानी से निकाल दिया गया है। मुकम्मल अपडेट शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, कप्तान बाबर आजम ने आज अपने सोशल मीडिया पर अपनी कप्तानी से मुस्तफ़ी होने के बारे में बता दिया है और आज ज़का अशरफ से मुलाकात के बाद कप्तान बाबर आजम ने अपना इस्तीफ़ा सोशल मीडिया पर भी डाल दिया है। तो दोस्तों, कप्तान बाबर आजम के बाद अब पाकिस्तानी टीम का नया कप्तान कौन होगा, तो इसके बारे में भी बता देते हैं। ज़का अशरफ ने नए कप्तानों का ऐलान भी कर दिया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान टीम को चैंपियन ट्रॉफी जितवाने वाले सरफराज अहमद पाकिस्तानी टीम को लीड करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने भी आज ज़का अशरफ से मुलाकात कर ली है और सरफराज अहमद के अलावा इमाद वसीम और शान मसूद बाकी फॉर्मेट्स में पाकिस्तानी टीम को लीड करेंगे। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।